बाप रे बाप, क्या हुआ? जय मैडम सर, क्या है, क्या है? आप हमारे लिए रुक नहीं सकती थी? हाँ, ऊपर से बाहर से ताला मार कर आ गई। वो तो भगवान का शुक्र है, रसोई घर का वेंटिलेटर खुला था, वहां से कूदी मार के आ गए हम। बाप रे, वेंटिलेटर से कूद गई आप? तो बाप रे बाप, छिपकली पुष्पा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये छुपा रही थी आप हमसे, इसीलिए जल्दी आ गई। पता है मैडम सर, हमारी कब से इच्छा थी कि थाने में हमारे एक छोटा मोटा रसोई घर हो, ताकि यहाँ तो सही उनसे थोड़ा बहुत पकवा सके हम। कभी 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 कभी। ये सामान आपके लिए नहीं है पुष्पा जी, ये बुलबुल जी के घर का सामान है। क्या मतलब बुलबुल पांडे यहाँ पे आने वाले रहने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं मतलब हमारा कितना भी किराया बाकी हो, नवाब साहब हमारी हवेली ऐसी किसी दूसरे को किराए पर दे ही नहीं सकते। अरे कल ही बात हुई हमारी उनसे। हमारी हवेली? हमारी मतलब हमारा थाना है ना, इसलिए हमारी हवेली। मगर ये सामान कैसे? पुष्पा जी, ना ही ये सामान आपके लिए आया है और ना ही नवाब साहब ने ये थाना बुलबुल पांडे को दिया है। तो हुआ ये, बात समझ में आ गई? हाँ समझ गए समझ गए। मैडम सर, मुझे लगता है ये जो सामान है ये चोर बाजार का लगता है। ठीक है फिर एक काम कीजिए, करिश्मा सिंह आप और पुष्पा जी आप लोग जाइए चोर बाजार, देखिए किसने सामान किसको बेचा है, या और कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो वो भी। जीता, हम है ना मूवर्स एंड पैकर्स के मेन मालिक को बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। जी मैडम सर। इतना सारा पुराना सामान एकदम कौड़ियों के दाम में, कुछ ले ले क्या घर के लिए? क्या बात कर रही पुष्पा जी, आप पुलिस हैं एक तो, सबसे पहली बात आप चोरी का माल लेकर जाएंगे घर पे? हाँ नहीं नहीं, ये तो ले लेते, फिर घड़ी तो ले लेते। कुछ नहीं लेंगे आप, चलिए यहाँ से। चोरी का माल है कैसे आप? मग्गा ले लें? कुछ नहीं चाहिए यहाँ से हमें। अरे अच्छा है मग्गा। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं। हाँ तो फिर चलते फिरते नजर आइए ना, आपको टाइम खोटी कर रहे हैं, धंधे का टाइम है। टाइम खोटी कर रहे हैं तुम्हारा हम? हाँ माफ कीजिए, आप ही की दुकान है, आइए गले पर बैठिए ना, कुछ चाय ठंडा है। ये कितने का दिया? 100 रुपए। पुष्पा जी शांत रहिए। हाँ ये सामान कहीं देखा है? नहीं तो मैंने कहीं नहीं देखा है। अच्छा अच्छा, नहीं देखा। देखा है, मैंने देखा है, मैंने खरीदा है, चोरी का माल था, देने वाला ओने पोने भाव में दे रहा था, मेरा धंधा है मैडम। ये दोनों साथ में लिया तो कितने में देंगे? ये 200 रुपए। चुप पुष्पा जी, प्लीज रख दीजिए उसको। हाँ तो कौन थे ये लोग जो देने आए थे, कितने लोग थे? दो लोग थे जी। हुलिया क्या था उनका? हुलिया। और ये फ्री है जी, बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, हम ये करने आए थे यहाँ पे। हाँ अरे आपको क्या है, आप थोड़ी ना रोटियां बेलती है, आप रोटियां बेलती तो आपको पता चलता ना ये नॉनस्टिक तवे की कीमत क्या होती है ना बड़े भैया? हाँ बिल्कुल। अम्मा तुम शांत रहो ठीक है, और दिवाली पे दो रोटी बेलने से कोई काम नहीं होता है ठीक है, पूरे साल हम रोटियां बेलते हैं आपके लिए और आपके लल्ला के लिए, उसका काम? खबरदार खबरदार, जो हमारे लल्ला को बीच में घसीटा तो वो बेचारा रहता ही कितना है घर में, हाँ महीनों तो बाहर घूमता है, उसके नसीब में कहाँ है वो घर की दो रोटियां, हम ले लेंगे। अरे वो भाग गया। हाँ तो पकड़ी, रखिए इसे, उसको छोड़ कर आइए। रुको तुम, एक मिनट भाई साहब, धर्मशाला थोड़ी है कि पार्क है, इधर घुसे चले आ रहे हैं, थाना है भाई, क्या बात है, कहिए किससे मिलना है? हमें ना, अरे हमको मालूम है कि आप हैं, लेकिन हम वही पूछ रहे हैं कि आप कौन है महानुभाव, किससे मिलना है आपको? हमारी एजेंसी का नाम है, हम है ना मूवर एंड पैकर एजेंसी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप हम है ना के मालिक हैं जिन्होंने बुलबुल सर का सामान शिफ्ट किया था? नहीं सर, हम मालिक नहीं है, हम तो कोवर्कर्स हैं।
अब मालिक तो आ रहे हैं। वाह, विदेशी वर्कर के देसी मालिक, आइए आइए, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। रुकी जी, नमस्कार नमस्कार, मैडम सर बुलाई हैं आपको, एक सेकंड रुकिए, उनको बुलाते हैं। जी नमस्कार मैडम, नाचिस को पुरुषोत्तम कहते हैं, हम है ना मूवर्स एंड पैकर्स के एक लौता मालिक, जिनसे आप खुद मिलना चाहती थी। लीजिए बंदा हाजिर है, तो बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपके लिए। जानकीपुरम पुलिस थाने के जो SHO हैं, बुलबुल पांडे, उनके घर के सामान की शिफ्टिंग आपने करवाई थी? जी बिल्कुल मैडम, मैं खुद कराया था, खुद खड़े होकर अरेंज किया था। नाम नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाई है मैडम जी। ओके, तो उनकी बीवी का ऐसा कहना है कि उस शिफ्टिंग के दौरान कुछ गड़बड़ हुई थी, क्योंकि उनके घर पे जो सामान आया है वो खराब सामान आया है। उनका ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी का सामान बदलकर घटिया चीप क्वालिटी का सामान उनके घर पहुंचा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये क्या बात कर रही हैं आप मैडम? देखिए मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं बात हमारी प्रोफेशनल सर्विस पर ही होगी, इसलिए हम भी साथ में लेकर आए हैं। ये देखिए, जी हमारा काम बहुत ही साफ सुथरा और पक्का रहता है मैडम। ये वो फॉर्म है मैडम जिसमें कस्टमर को सर्विस देने के बाद, मतलब उनका सामान शिफ्ट कराने के बाद, खुद खड़े होकर उनसे सामान पूरा चेक कराने के बाद इसमें साइन कराते हैं। जिसकी बात आप कर रहे हैं पांडे जी, उनकी मिसेज भी खुद खड़े होकर चेक किया सारा का सारा सामान, उसके बाद इसमें साइन किया है। अब आप ही बताइए मैडम, इसके बाद भी अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो कानून के हिसाब से हमारा क्या जिम्मेदारी बनता है? देखिए रिलैक्स, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं आप पर, हम बस आपसे पूछताछ करना चाहते थे इसलिए आपको यहाँ बुलाया। बहरहाल ठीक है, थैंक यू आने के लिए, आप जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम है ना, जब भी आपको कोई भी सेवा की जरूरत हो तो आप बुला लीजिएगा, पुरुषोत्तम हाजिर हो जाएगा। जी चलते हैं, प्रणाम सर। चलो भाई उसे संभाल के रखो। अरे खूनी चमगादड़, इतना आँख फाड़ के काहे देख रहा है इनको? निठल ने मुझे लगा है इन दो जमरों को मैंने कहीं देखा है। चल बे, सब लड़की को चिपकाने वाला लाइन है भी बहुत पुराना हो गया है, ज्यादा बुमकेश बख्शी मत बनो। चलो चाय पिलाते, आओ। ये बॉन बख्शीश है, ये चाय ठीक है। का भक्त बे, रुक, तुम्हारी मैया की सासु मैया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे, तुम चोरी करते हो, तुमको शर्म नहीं आता है? सबका 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 घर का काम आ, अरे ये तो पहले से गिरा हुआ है और कितना गिरेगा ये? ऐसा हम नहीं, मतलब ये महिलाएं सोचती होंगी सर, और ये लेट कर एंजॉय क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए, उठिए। तुम वैसे एक मिनट सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशनी डालेंगे आप इस बात पे? बाय द वे आपको बताना चाहेंगे, आपका सामान जो है ना वो मिल चुका है, ये कल्लू चोर, इसने आपका सामान चुराया था, तो आपके घर का सामान इनके पास है, आप जब चाहे ले सकते हैं। ठीक है। क्या बात है सर, आपको इस बात से खुशी नहीं हो रहा है कि आपके घर का सामान मिल गया है? अरे मैडम इसकी शक्ल ही ऐसी है, मनहूस कहीं का। अरे क्या मन हूँ शक्ल लेके आप लोग खड़े, जाइए यहाँ से। अरे जाओ जाओ, काम धंधा करो अपना अपना। ना ना, मतलब बहुत खुश है, खुश है, टेंशन नहीं है, ठीक है ठीक है। आते हैं हम, आते हैं, हट हट। दिमाग का एकदम। अरे सर ये वैक्स स्टैचू आपको पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिलेगा। पर मैं आपको बना के दे सकता हूँ कल तक। ठीक है, हम बताएंगे आपको। ओके थैंक यू। अरे अरे भाग गया, भाग गया वो, भाग गया, बहुत अच्छा भाग गया। हम नहीं भागेंगे,
हमारे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। ये स्टैचू का क्या था सर? कौन सा स्टैचू? कुछ छुपा रहे हैं क्या? देखो इनको बता दो कि अपना काम से काम रखे हैं, ठीक है? हम अपना काम ही कर रहे हैं, पर अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कर देते हैं। आप क्या कर रही हैं? डीएसपी सर को फोन लगा के उनको आज का ताजा खबर दे रहे हैं। हाँ मैडम, हाँ लगाइए, जरूर लगाइए। चुप रहा। नहीं नहीं, देखिए करिश्मा जी, फोन मत लगाइए। देखिए फोन मत लगाइए, हम बताते हैं। बहुत बढ़िया, अब बताइए पूरी बात, बताइए क्या छुपा रहे हैं। मैडम सर, पुष्पा जी का फोन आया था, बता रही थी कि पल्लवी जी का सारा सामान मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, गुड। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, मैंने पहले ही कहा था जो चीज कहीं नहीं मिलती वो चोर बाजार में मिल जाती है। कब कहा था? हर एक बात कहीं नहीं होती, जो नहीं कही होती वो समझी जाती है। निठल्ले क्या हो गया है सर, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये इसी लायक है। वैसे तो शर्म से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं, लेकिन आज बहुत शर्मिंदा है। और बेशर्म आदमी जब शर्मिंदा होता है ना, तो जवान ऐसे चिपक जाती है तालू से। कैसे कैसे? ऐसे। और पता है, अच्छे अच्छे के आगे जवान नहीं खुलती है। मतलब मैडम ऐसा सोचती है हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। अच्छा ऐसे अपने बारे में ही कह रहे। एक मिनट क्या हो रहा है, कोई बताएगा हमें? क्या हुआ कि घर का जो है हमरे शिफ्टिंग हो रहा था, और हम है ना वाले जो है वो घर का सामान का सारा पैकिंग कर रहे थे, तो वो घर का सामान के साथ में वो स्टैचू का बॉक्स जो है वो नया वाला घर में हमने भिजवा दिए थे। जय हिंद सर। जय हिंद, हम सब जानते हैं। अरे स्टैचू का क्या रहा बुलबुल पांडे? अरे सर यही है हमरे नजरों के सामने, ऐसा कलेजे से लगा के रखे हैं, और कलर डिलीवरी ले लिए थे हमने। अरे आप टेंशन मत लीजिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक स्टैचू जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। मोम का स्टैचू। बॉक्स खाली था, क्या मतलब है इस बात का? हमरा लंका लग जाएगा, बचा लीजिए हमें इस दुविधा से। लंका तो लगनी ही थी ना। जय हिंद मैडम सर। जय जय हिंद सर। नहीं मतलब इतना जिम्मेदारी का काम इतने लापरवाही से करेंगे तो ऐसा तो होना ही था, लेकिन अब पछतावे क्या हो जब गैर जिम्मेदारी की चिड़िया चुग गई खेत। करिश्मा सिंह प्लीज बिहेव योरसेल्फ, ये सीनियर है आपके। सॉरी मैडम सर। देखिए अब जो हो गया वो हो गया, कैसे हुआ क्यों हुआ वो बाद में सोचेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस स्टैचू जो है वो गायब हो चुका है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले किसी भी हालत में वापस आना चाहिए, वरना पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। समझ में आ रही है आप लोगों को ये बात? हेलो सर। अरे बुलबुल पांडे, हम सब जानते हैं स्टैचू का क्या हुआ, स्टैचू लेके निकले कि नहीं निकले? चीते बदनाम को चाहे बोल दो। बोल सोनी। अरे ये तो करिश्मा सिंह की आवाज है। अरे तुम्हारे थाने में करिश्मा सिंह क्या कर रही है? नहीं नहीं सर, करिश्मा जी हमारे थाने में नहीं है, हम करिश्मा जी का थाने में है। अरे भाई तुम वहाँ करिश्मा सिंह के थाने में क्या कर रहे हो? अरे तुमको यहाँ स्टैचू पहुँचाने की एक जिम्मेदारी दी गई, वो भी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी नहीं कर पा रहे हो। अरे कभी तो सुधरो। अरे कब सुधरोगे बुलबुल पांडे, हम सब जानते हैं। सर 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 सर, हम हमारा जिम्मेदारी है तो समझ रहे हैं सर। स्टैचू सर, स्टैचू के लिए ही तो हम यहाँ महिला पुलिस थाने आए हैं। स्टैचू यहीं पे है, महिला पुलिस थाना में। ये क्या बोल रहे हो आप? स्टैचू महिला थाने में? महिला थाने में स्टैचू क्या कर रही है? हाँ हाँ याद आया, वो क्या हुआ कि वो जो गाड़ी जो स्टैचू लेके आ रहा था वो महिला पुलिस थाने के सामने बिगड़ गया, तो स्टैचू का जो है इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए स्टैचू का डिलीवरी हमने यहाँ महिला पुलिस थाने में ले लिया है। हाँ सर यहीं पे है स्टैचू। हाँ जय हिंद सर। बुलबुल पांडे झूठ क्यों कहा कि स्टैचू हमारे थाने में? और क्या कहते, अगर उनको पता चलता कि हमने स्टैचू जो है वो खो दिया है तो उनका उनका गुस्से का प्रलय जो है हम पे आके टूट पड़ता, इसलिए जो मुंह में आया हमने बक दिया। आ रहे हो? कौन आ रहे हैं? डीएसपी साहब,
स्टैचू का डिलीवरी लेने खुद आ रहे हैं। क्या? ये क्या किया आपने बुलबुल पांडे? अब डीएसपी सर आएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे? स्टैचू नहीं है यहाँ। सच बताएंगे मैडम सर, और क्या करेंगे? उनको बताएंगे कि कैसे झूठ बोल के इन्होंने हमारे थाने को फंसा दिया है। नहीं 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 करिश्मा जी, ऐसा गजब मत कीजिएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमें थोड़ा सा वक्त और चाहिए ताकि हम उस स्टैचू को ढूंढ के ला सकें। लेकिन मैडम सर, वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। डीएसपी सर आ रहे हैं, यहाँ पे पहुँचने वाले होंगे, और स्टैचू कहाँ है? कहीं नहीं है स्टैचू। कहाँ से लाएंगे स्टैचू? वैसे मैडम सर, एक सुझाव है हमारे पास, इससे शायद हमें थोड़ा समय मिल सकता है। क्या? जल्दी बताइए पुष्पा जी। क्यों ना हम किसी और को चंद्रकेतु का पुतला बनाकर पेश करें? क्या कह रही हैं आप? किसी और को स्टैचू कैसे? कौन बनेगा? हमने राजा चंद्रकेतु की फोटो देखी है मैडम सर, बस थोड़ा सा मेकअप और बिल्लू हूबहू लगने लगेगा राजा जैसा। राहु केतु, चंद्र केतु, नहीं माँ। क्या हुआ? माला चुभी। ये ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। हाँ बिले माँ, जल्दी करो ना, कितना समय लगेगा? और समय लगता है मैडम, मेकअप, ड्रेसिंग, ये सब आर्ट है, आर्ट। आप नहीं समझेंगी। क्या कहा? हम नहीं समझेंगे? बताइए, हम नहीं समझेंगे? पता भी है किसके साथ बात कर रहे हो? कानपुर रंगमंच की प्रख्यात अभिनेत्री पुष्पा सिंह के साथ बात कर रहे हो तो? अच्छा, कौन है वो? हम हैं हम। ओ अच्छा, हसीना जी समय निकला जा रहा है। बार बार घड़ी क्या देख रहा है? नहीं ठीक है, देख ले देख ले, घंटा घर पे लटक के घड़ी देख ले, लेकिन बार बार घड़ी देखने से तेरा बुरा समय सही नहीं हो जाएगा जल्ला। फिर ऐसा हम कहते अगर हम तुम्हारी जगह होते तो। हाँ सर, चाय लाए सर? अरे चाय से याद आया, उचिता चतुर्वेदी बाहर पहरा दे रहा ना। हाँ ठीक है ठीक है। चीता भाई ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। तुम चाय में फेनाइल डालना बंद कर पहले, इतना घटिया। बाप रे बाप। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए भाई, अरे कार्यक्रम एकदम सही समय पर होगा। हाँ हम यहाँ पर स्टैचू लेने आए हैं, स्टैचू लेकर सीधा कॉन्फ्रेंस में पहुंच रहे हैं। जय हिंद जय हिंद सर, जय हिंद सर। सर चाय पीजिए सर, चाय पीजिए। अरे चाय अंदर लेकर आओ भाई। सर सर सर, भीतर बैठ के तो हमेशा चाय पीते हैं, यहाँ बदनामुआ के फट्टे पर बैठ कर जो चाय पीने का मजा है कहीं पर नहीं। बोलना रहे सर, बदनामी से चाय है, बहुत दिल से बनाई सर हमने। अरे दिल से बनाइए, चाय से बनाइए, शक्कर से बनाइए, चाय जिससे भी बनाइए, ये सर सराना बंद करो, हमें अंदर बहुत काम है। जय हिंद, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले स्टैचू लेने आया हूँ, स्टैचू लेकर चले जाओ उसके बाद बता। अरे सर स्टैचू कहाँ भागा जा रहा है? सारी लड़का जो है वो गर्मा गर्म चाय लेके खड़ा है, देखो कैसा अदरक घूट घूट के डाला है, कितना बढ़िया खुशबू आ रहा है, और गोभी का पकौड़ा नहीं लाया तुम? रेडी है, रेडी है। सर को गोभी का पकौड़ा कितना पसंद है? अरे चुप रहो, मैंने बोला ना मुझे काम है, लौकी का पकौड़ा खा लो। अरे सर गोभी का पकौड़ा सर। वे मक्कार आदमी, आंखें बंद कर लेने से तेरा खराब समय टल नहीं जाएगा, आज रावण दहन हो के रहेगा, वो भी डीएसपी साहब के हाथों। हट, अभी आपको पकौड़ा खिलाएंगे। जैन सर, जैन सर, जैन सर, सर, सर आप ही का इंतजार हो रहा था तो। सर ये देखिए, ये रहा आपका मोम का पुतला। अच्छा क्या बात है, अद्भुत, वाह वाह,
ऐसे लग रहा है जैसे ये पुतला एकदम जीवित है, है ना? है ना? कौन बोला? हम बोला। क्यों बोला? हाँ सर, पुष्पा जी। हाँ? पुष्पा जी हमारे पैर पर पैर रख के चढ़ गई तो हमारे मुंह माम माम ऐसे निकल गया। अब माम का पुतला माम कैसे बोलेगा सर? बोली ना, चढ़ी ना पुष्पा जी आप। हम? अरे हम तो इतने दूर खड़े तुमसे। नहीं नहीं, चढ़ी थी आप, अभी चढ़ी थी पुष्पा जी, क्या बात करें। वो सब तो ठीक है पर ये नहीं 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 सर, टच नहीं कर सकते। इसके साथ जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल आया था उसमें साफ साफ लिखा था सर, यहाँ देखिए सर, कि इसे टच करेंगे ना तो ये खराब हो जाएगा। उसमें लिखा था डू नॉट टच। हाँ सर। हसीना मलिक को सब ठीक है पर ये वो पुतला नहीं है।